चलो हो गया, पहुंच गए हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे। और फाइनली जो हमारा कैंप है लग चुका है, बड़ी मुश्किल से लगा है। बहुत ही जबरदस्त बनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशंस ऑन। ठीक हो? ठीक हो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, तो मैं भी अच्छे से हूँ आपकी दुआओं से। तो आज ना हम फर्स्ट कैंपिंग करने वाला हूँ मैं, आज हमारी चैनल पे जो है फर्स्ट कैंपिंग होने वाली है, और मेरी लाइफ में ये सेकंड टाइम है। पहले तो मैं अपने भाई के साथ गया था, अपने कज़न के साथ, इमराज भाई के साथ गया था मैं कैंपिंग करने वाला। मतलब कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं कि भाई कब पहुँचूँ मैं वहाँ से। बस हम निकल रहे हैं अभी, अभी वो बज रहे हैं भाई, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 बजे मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी हमें निकलना है। मुझे कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, पैकिंग करनी है। पैकिंग अभी थोड़ी हो चुकी है, थोड़ी नहीं हुई है, और मेरे कुछ दोस्त भी साथ आ रहे हैं, तो सामान वगैरह बहुत ख़रीदना है। तो अभी हम चलेंगे, मिलेंगे हम आगे इंशाल्लाह। जो चैनल पर नए है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम आगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फाइनली गाइज, एक घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। गांव आप देख रहे हो ये पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, पर हालत रहेगी आज हमारी। देखो रोड कितना ही ज़्यादा ख़राब है। वो जो नीचे देख रहे हैं आप, वहाँ से आए हम, कम से कम बहुत ज़्यादा थक गए हमें कसम से। देख रहे हो, चलो थोड़ा ऊपर पहुँचेगा वहाँ पे, ये थोड़े 5-10 मिनट रुकेंगे वहाँ पे। ये आज धूप है, मुझे डर था कहीं बारिश ना हो जाए। अगर बारिश होती भाई तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हमें यहाँ पहुँचने में। तो इसे व्यू चेक करो, पहाड़ देखो आप, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे जाएंगे हम इंशाल्लाह। चलो गाइस, पहुँच गए हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे, देख रहे हो आप। ये देखो भाई, ये मेरा गांव है कोट वैली, कहाँ से आए हम, बहुत पीछे छोड़ दिया अपने गांव को। यहाँ पे हम बैठेंगे, और ये जो है ये उफैक भाई है, और ये जो आप देख रहे हैं परवेश भाई है। परवेश भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी यहाँ पर। आपको कैसा लग रहा है भाई, कुछ कहना चाहेंगे उफैक भाई? थैंक यू। देखो भाई कैसे गहरे जंगल में आ गए हम, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा शायद, कितना दूर है ये देखो। वो नीचे मेरा गांव है, और ये देख लो आप, खाली पेड़ जंगल, हम तीनों के अलावा और यहां पे कोई भी नहीं है। ज़्यादा दिक्कत हो रही है जंगलों में से। ये देख रहे हो गाइस, ये जो आप बंदा देख रहे हैं, इसको मैंने बोला था आने के लिए, अब आ नहीं रहा है, बहुत पछता रहा है अब। ये देख लो अपना तनवीर भाई, ये देखो जंगली जंगल है, पूरा सुनसान है, यहाँ से कुछ भी नहीं, हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। अभी हमने सबसे पहले देखना है कि अपना कैंप जो है वो हम कहाँ पर सेट करें, और वहाँ पर सेट करना है, ऐसी लोकेशन ढूँढनी है जहाँ पर हमें पानी की दिक्कत ना हो, जहाँ पर पानी हो वहाँ पर हमें कैंप लगाना है। वो देखो पहाड़, वो जो पत्थर दिख रहा है वहाँ पे कोई बंदा बैठा है। फाइनली वी हैव टू क्रॉस द वाघा बॉर्डर ऑफ शुपियां। ये हम पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, देख सकते हो आप। मुझे लग रहा है टेंट के लिए ये जगह सही रहेगी।
फाइनली जो हमारा कैंप है वो लग चुका है और अब हम थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। अभी तक हमारा टेंट ही लग रहा था। अभी ये जो है पत्थर लग चुके हैं, बस लकड़ी लगानी है इसमें। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, पहले हम कुछ खाएंगे, ये खाएंगे, उसके बाद हम लकड़ी ढूंढने चलेंगे और उसके बाद आग जलानी है और ख़तरनाक कैंपिंग होने वाली है, ग्रुप कैंपिंग होने वाली है 2-4 दिन के बाद। पर हमारी आग जल जाए तो बस उसके बाद बुझेगी नहीं हमारी आग। लकड़ी थोड़ी गीली है, उसकी वजह से आग नहीं जल पा रही है, तो चलो जल। फाइनली हमारी आग जो है जल चुकी है, अब इसके ऊपर हम पतीला। चाय डल चुकी है इसमें, टाइम देखा, आग तो जल चुकी है, आग देख लीजिए, आग तो जल चुकी है। अपने भाई बैठे हैं अंदर, देखेंगे क्या। भाई लोग मजा है कि नहीं है? हाँ बहुत मजा है। नींद आई? हाँ नींद आई। चलो ठीक है भाई, कुछ खाने का इंतजाम करें हम? नहीं नहीं अभी थोड़ा थोड़ा आराम है। हाँ, चलो ठीक ठीक है, हम पकाएंगे कुछ, उसके बाद खाएंगे। भाई नींद अच्छी आई? गाइस आग फिर से जला ली है मैंने, तो अब इसके बाद हमें अब मैगी तैयार करनी होगी। पानी जो है बहुत ही ठंडा है, जंगल में ऐसा पानी होना ये तो भाई क्या बता दूंगा। हो गया साइड से भी, इसको साफ करने में टाइम लगेगा, ज़्यादा साफ नहीं करूँगा मैं, साफ तो अभी गर्मी ही हो पाएगा। आग जो है वो बुझने वाली है, इसमें लकड़ी डालनी पड़ेगी पहले। दे दे। अपना टेंट है भाई। परेश भाई कैसी मैगी बनी है? जी बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी। तैयार होगी कि अभी टाइम लगेगा? अभी थोड़ा 2-4 मिनट लगेंगे, तो आफ्टर दैट वी विल टेस्ट इट। ये देखो गाइस अपनी मैगी बन के रेडी हो चुकी है अभी। चलो गाइस करते हैं बिस्मिल्लाह। वाह व्हाट अ टेस्टिंग। वाह अमेजिंग। चलो गाइस पहले मैगी का एंड हो चुका है, पहले बर्तन धोएंगे। Thank you.
चलो गाइस, अब हमें चलना पड़ेगा। सामान वामान पैक हो चुका है हमारा वापस के लिए। आज की कैंपिंग का एंड मुझे यहीं पे करना है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे।